सोमवार का वार में आज घर के अंदर आप देखेंगे पोटली टास्क, जिसमें सभी घर वालों के हाथ में उनके नाम की दी जाएगी पोटली और सभी को जो है बोला जाएगा कि आपको लगता है जो सबसे बड़ा पापी है उसकी पोटली में आप ये ब्लैक ब्लॉक डालिए। फिर यही होगा कि एक एक करके सभी जो है डालेंगे और रश्मि बन जाएगी इस टास्क की विजेता और सलमान खान डिक्लेयर करेंगे तो रश्मि आप इस सीजन की सबसे बड़ी पापी बनती है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और पारस क्यों मानते हैं रश्मि को पापी? आखिर सिद्धार्थ इस टास्क के दौरान रश्मि पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो पोटली लेकर बैठी हैं और सभी जो है एक एक करके आते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला जब आते हैं वो बोलते हैं कि इन अ पॉजिटिव वे रश्मि ने जो मेरा नेगेटिवली कैरेक्टर असैसिनेशन किया है उसकी वजह इस सीज़न में मैं उसकी वजह से उसको ये ब्लैक ब्लॉक देता हूँ और उसकी पोटली में वो डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ये मानते हैं, उनका ये कहना है और मैं कहूँ तो उनका ये दावा है कि रश्मि देसाई ने इस सीज़न में जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन यानी कि उनको नीचे दिखाने की कोशिश की है, उनके चरित्र का हनन किया है, जैसे वो नहीं थे, उनकी अच्छी रेपुटेशन को बेकार करने की कोशिश की है और यही दावा करते हुए वो जो है रश्मि को मानते हैं पापी। लेकिन सीज़न में ये हमने देखा है कि दोनों ही तरफ से जो है ताली एक हाथ से नहीं बजी, दोनों ने ही किया है, लेकिन जब रश्मि ये सुनती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं जब पारस की बारी आती है तो वो कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े तो सभी के होते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन घर के अंदर चोरी करना जो है वो सबसे बड़ा पाप है और रश्मि देसाई ने घर के अंदर बहुत चोरियां की है। और रश्मि जो है जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये सीज़न जो है ना, इस पूरे सीज़न में रश्मि देसाई पर ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है घर के अंदर चाय पत्ती से लेकर बहुत कुछ चुराया है, प्लेटें चम्मच, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बार आया है। मुझे लगता है रश्मि इसको बहुत ही लाइट वे में लेती है और इस बात को लेकर हमेशा हंसती हुई ही दिखाई देती है। जब बात आई थी कि उनका बिग बॉस के घर के अंदर सबसे बेस्ट और वर्स्ट मेमोरी कौन सी है, तब भी उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया था, तो वो जो है इस इंसिडेंट को बहुत लाइटली ले रही है और हंस के हमेशा उड़ा देती हैं। और आज भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब पारस उन्हें चोर बोलेगा और पापी बोलेगा तो जो है वो हंस के इन चीज़ों को उड़ा देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ये लगता है कि रश्मि ने जो है इस शो में उनके कैरेक्टर को, उनका जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। तो देखना होगा कि रश्मि जो है इसका जवाब देती है कुछ या फिर चुपचाप अपने पाप की जो है पोटली भरा देती है। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।